झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। रांची के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 दिसंबर से रांची में खुल जाएंगे धान क्रय केंद्र। इन सेंटरों पर जाकर किसान बेच सकते हैं अपना धान। रांची जिला के किसानों के लिए 1 दिसंबर 2020 से धान क्रय केंद्र खुल रहा है। जिले के इन केंद्रों पर जाकर किसान अपने धान को बेच सकते हैं। जिले में 23 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 6 राइस मिल को भी धान प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन ने अधिकृत किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने साधारण किस्म के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपया प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान की कीमत 1888 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित की है। वहीं झारखंड सरकार ने राज्य के धान उत्पादित किसानों को प्रति क्विंटल 182 रुपया बोनस देने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य के धान उत्पादित किसानों को साधारण किस्म के धान के लिए प्रति क्विंटल 2050 रुपया मिलेंगे, जबकि ग्रेड ए किस्म के धान के लिए 2070 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को मिलेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना से बचाव में झारखंड अन्य राज्यों से बेहतर, सिख समुदाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हेमंत सोरेन ने सोमवार को गुरु नानक स्कूल में आयोजित गुरु नानक देव के 591 जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से पहले जैसे चहल पहल न होते हुए भी हमारे आपके चेहरे और मन में उदासी नहीं है, क्योंकि मौजूदा हालत को हम सभी समझते हैं। विशेष तौर पर हमारे सिख समुदाय के लोग ने इस संक्रमण काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कोरोना के जंग में भी गुरु नानक स्कूल कैंपस हर चुनौती को झेलते हुए मानव सेवा के लिए 24 घंटे खुले रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। मास्क नहीं पहना तो नगर निगम भी करेगा जुर्माना, रांची से कई ट्रेन भी चलेंगे, जाने मुख्य खबरें। आज दिसंबर की पहली तारीख है। महीना बदलने के साथ कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों का सीधा संबंध आम आदमी के जीवन से है। इनमें ट्रेनों का परिचालन से लेकर कोविड-19 सख्ती और बैंकों में होने वाले ट्रांजेक्शन से जुड़े नियम शामिल है। तो आपको जान लेना जरूरी है कि 1 दिसंबर से क्या क्या बदलाव होने जा रहा है। पहला, कोविड-19 दिशा निर्देश पर सख्ती, जिला प्रशासन के साथ नगर निगम भी वसूलेगा जुर्माना। दूसरा, रांची पटना जनशताब्दी को 30 दिसंबर तक विस्तार। तीसरा, हर महीने की तीसरी तारीख को बदल जाएगी LPG सिलेंडर की कीमत हर महीने की पहली तारीख। चौथा, PNB ATM से पैसा निकालने के नियम में बदलाव। पांचवा, RTGS की सुविधा सप्ताह में 7 दिन। झारखंड के सारांडा में ASI ने खुद को मारी गोली, मौके पर ही मौत, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित सारांडा के करमपद्दा स्थित CRPF कैंप के पदस्थापित CRPF के 197 बटालियन के ASI उमेश सिंह ने कल सुबह AK-47 से गोली मार ली। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कैंप में गोली चलने की घटना व आवाज के बाद तमाम अधिकारियों व जवान में अफरा तफरी मच गई। सभी गोली चलने वाले स्थान की ओर भागे, जहां देखा कि ASI उमेश सिंह खून से लथपथ अचेत पड़े हैं और पास में AK-47 राइफल पड़ी थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब रांची से अहमदाबाद के लिए सीधी फ्लाइट, 20 दिसंबर से स्पाइस जेट का विमान भरेगा उड़ान। अब रांची से गुजरात की सीधी कनेक्टिविटी होगी। स्पाइस जेट 20 दिसंबर से रांची अहमदाबाद के लिए विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट अपना स्टेशन काउंटर भी तैयार कर लिया है। झारखंड बनने के 20 साल बाद रांची से स्पाइस जेट विमान सेवा शुरू करेगा। 20 दिसंबर से रांची से दिल्ली, रांची से मुंबई और रांची से अहमदाबाद के लिए स्पाइस जेट विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। इसके लिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट ने स्टेशन काउंटर भी तैयार कर लिया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव धीरज तनेजा कहते हैं कि यह व्यापारिकों की वर्षों की मुराद पूरी होने जा रही है। सिंदरी में पुलिस और ग्रामीण में झड़प, लाठी चार्ज करने पर लोगों ने किया पथराव। सिंदरी स्थित ACC सीमेंट कारखाना के गेट पर रोजगार की मांग पर धरने पर बैठे लोगों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। लोगों को मौके से खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस घटना में दोनों ओर से कुछ लोगों को हल्की चोटें आई है। घटना सोमवार की है।
तनाव को देखते हुए मौके पर धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल सोमवार की सुबह से स्थानीय विस्थापित व ग्रामीण ने रोजगार की मांग को लेकर सीमेंट कारखाना के गेट पर जाम कर रखा था। टाइगर फोर्स और झारखंड विकास श्रमिक संघ के बैनर तले धरने पर लोग बैठे हुए थे। इसकी सूचना मिलने पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार पहुंचे और एसीसी सीमेंट कारखाना मैनेजमेंट व धरने पर बैठे लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता कराई, जहां यह तय हुआ कि ग्रामीण की सारी मांगों पर शुक्रवार एसडीएम कार्यालय में बैठक कर चर्चा की जाएगी। इसके बाद धरना से लोग उठने लगे। जमशेदपुर में साइबर अपराधियों ने 90 दिन में बनाई 2 करोड़ की संपत्ति, 5 आरोपी गिरफ्तार, सरगना अभी भी फरार है। साइबर पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एमजीएम अस्पताल में मेडिकल के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी सोमवार को दी। गिरफ्तार युवक कम समय में ज्यादा पैसे की लालच में साइबर क्राइम से जुड़े थे। साइबर पुलिस ने अपराधियों के पास से कई एटीएम, पासबुक, चेकबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड जब्त किया है। गिरोह के मुख्य सरगना गोलमुरी निवासी मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद अफ्ताब की तलाशी में पुलिस छापेमारी कर रही है। मुख्यालय के आईएसओ विभाग की टीम ने कनकनी गैस रिसाव स्थल पर जायजा लिया, दिए हैं ये महत्वपूर्ण निर्देश। मुख्यालय के आईएसओ विभाग की टीम सोमवार को सिजुआ क्षेत्र के कनकनी कोलियरी पहुंची। सेंद्रा स्थित ध्वस्त 4 नंबर चानक से हो रहे गैस रिसाव का जायजा लिया तथा कोलियरी कार्यालय में नक्शे का अवलोकन कर ये जानने की कोशिश की कि यदि गैस रिसाव स्थल के भराठी करा दी जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगी। आबादी वाले क्षेत्र में नहीं पड़ेगा। इधर लगातार हो रहे गैस रिसाव से परेशान स्थानीय लोगों में प्रबंधन के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोयाबाद पुलिस ने भी कोलियरी प्रबंधन को लोगों की भावना से अवगत कराते हुए शीघ्र गैस की रोकथाम के लिए कहा। हालांकि प्रबंधन के द्वारा अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। रविवार को जब गैस व धुआं काला था, वह गैस आज सफेद रंग का निकल रहा है। टीम के नेतृत्व कर रहे नोडल अधिकारी किशोर यादव ने कोलियरी अधिकारी के साथ करीब 2-3 घंटे तक इस बात पर मंथन की गैस भराठे कराई जाए या नहीं। यदि करा दी जाए तो खदान के नीचे गैस किधर से निकलेगा। नक्शा के खदान के अंदर की स्थिति को समझने के बाद उन्हें कोलियरी अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। यह खबर है पाकुड़ से। कालाजार का सर्वे करने गए 2 कर्मियों को बंधक बनाया। कालाजार का सर्वे करने इलामी पंचायत के सिरसा टोला पहुंचे केयर संस्था के कर्मी अपूर्व मिश्रा व सुकुमार मरांडी को ग्रामीण ने सोमवार को बंधक बना लिया। दोनों कर्मी गलतफहमी के शिकार हुए। ग्रामीणों ने यह कहते हुए सर्वे करने से रोका कि दोनों कर्मचारी कोरोना का रिपोर्ट लेने के लिए गांव आए हैं। कर्मियों ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। डीसी कुलपति चौधरी पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस कर्मियों को तुरंत गांव पहुंचने का दिशा निर्देश दिया। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं के से आतंकियों ने काटे 110 सिर, हैवानियत से कांपी दुनिया, बेरहमी से मार डाला सभी को। नाइजीरिया में बहुत भयानक आतंकी घटना हुई है। यहां हुई इस आतंकी घटना में करीब 110 लोगों को मार दिया गया है। मारे जाने वाले लोगों में किसान और मछुआरे शामिल है। खुखार आतंकियों ने लोगों के सिर काट डाले। सामने आई रिपोर्ट के अनुसार हमले के पीछे बोको हराम को जिम्मेदार समझा जा रहा है। इस आतंकी हमले के बाद आतंकियों ने मृत लोगों की पत्नी और बेटियों को भी बंधक बना लिया है। कोरोना वैक्सीन पर बड़ा झटका, ट्रायल में शामिल शख्स को हुई बीमारी, मांगा 5 करोड़ का मुआवजा। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस जानलेवा महामारी की मार झेल रहे लोगों को वैक्सीन का इंतजार है। अब इस बीच वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है। कोविड शील्ड वैक्सीन के ट्रायल में शामिल एक शख्स ने खुराक लेने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट होने का दावा किया है। चेन्नई में हुए ट्रायल में यह शख्स शामिल हुआ था। ट्रायल में शामिल व्यक्ति की उम्र 40 साल है। इस शख्स ने बताया कि वैक्सीन की खुराक लेने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट नजर आए हैं। साइड इफेक्ट में वर्चुअल न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन जैसी समस्याएं भी शामिल है। इस व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। अगले 36 घंटे में आएगी बड़ी आफत, 3 राज्यों में होगी भारी बारिश, पड़ेगी कपाने वाली ठंड, जानिए। देश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। चक्रवात तूफान के गुजर जाने के बाद उसका कई राज्यों में असर दिख रहा है। कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। संभावना है कि बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। बारिश और बर्फबारी के कारण
हाड़ कांपने वाली ठंड पड़ेगी। दक्षिण भारत के कई राज्यों में 1 दिसंबर से भारी बारिश हो तो हो सकती है। 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक तमिलनाडु के तटीय और उत्तरी इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दक्षिण आंध्र प्रदेश और रायलसीला क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। पीएम मोदी है बनारस में, जाने किसानों से जुड़ी बातें जिन पर मोदी बोले थे कुछ। देव दिवाली के शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंच गए। इस दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी के खजूरी गांव में 6-लेन मार्ग के चौड़ीकरण का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत हर हर महादेव के उद्घोषण से किया। पीएम मोदी ने देव दिवाली के शुभ अवसर पर अपने संबोधन में कृषि कानून पर जोर दिया। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बात की, आइए इन नजर पर डालते हैं। कब होगा युद्ध जानिए, ऑस्ट्रेलिया ने चीन को दी बड़ी चेतावनी, इस वजह से भिड़े दोनों देश। बीते कुछ समय से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड वार छिड़ा हुआ है। इस बीच दोनों पक्षों के बीच एक फेक तस्वीर को लेकर घमासान छिड़ गया है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन को उस फर्जी फोटो के हटाने के लिए कहा है। दरअसल चीनी विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता झाओ झिलियान द्वारा ट्वीट पर शेयर की गई इस फोटो में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सैनिक को अफगानी बच्चे की हत्या करते हुए दिखाया गया है। खबर झारखंड से है, प्रकाश पर्व में शामिल हुए मुख्यमंत्री सिख समुदाय को योगदान को सराहा। गुरु नानक देव जी की 591 जयंती के अवसर पर झारखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची में आयोजित प्रकाश वर्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का सभी ने मिलकर सामना किया, संक्रमण की चुनौती के बावजूद हम सभी ने अपनी आस्था और परंपरा को बचा कर रखा है। आजम खान पर आई बड़ी खबर, पिता के नाम पर बने मुमताज पार्क का बदलेगा नाम। रामपुर में आजम खान के घर के बगल में स्थित मुमताज पार्क का नाम भी बदला जाएगा। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने पार्क का नाम किसी स्वतंत्र संग्राम सेनानी के नाम पर रखने की मांग की है। उन्होंने रामपुर में आजम खान के रिश्तेदारों के नाम बने पार्क व द्वार का नाम बदलने का मामला उठाया है। उनका कहना है कि सरकारी धन का प्रयोग कर बने सार्वजनिक स्थलों को किसी नेता के परिजनों के समर्पित नहीं किया जा सकता है। खबर झारखंड से, आरपीएफ ने बचाई 6 नाबालिग बच्चियों की जिंदगी, तस्कर लेकर जा रहे थे यहां से। झारखंड में मानव तस्करी एक बड़ी समस्या है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने को लेकर सरकारी कोशिशें नाकाफी साबित हुई है। गरीबी और तंगहाली का फायदा उठाकर ट्रैफिकर नाबालिग बच्चे बच्चियों को दूसरे प्रदेश ले जाते हैं और वहाँ उनसे जबरन काम लिया जाता है। इतना ही नहीं, उनका यौन शोषण भी किया जाता है। लाखों दीपों से काशी के 84 घाटों का जगमग होना अद्भुत है। गंगा की लहरों को ये प्रकाश और भी अलौकिक बना रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाती काशी महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। ये बातें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कह रहे थे। दुनिया के लगभग 200 देशों के राजदूतों को प्रयागराज की धरती पर आमंत्रित कराकर वैश्विक मंच पर कुंभ की इस परंपरा को स्थापित करके भारत के सांस्कृतिक मान्यता को एक नई ऊंचाई देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में देव दीपावली महोत्सव में शामिल हुए थे। एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर, आज से देश में बदलेंगे 5 बड़े नियम। 1 दिसंबर यानी आज से भारत में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नियमों से एक और जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपके आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेलवे, ATM जैसे निकालने के नियम और पैसों के लेन देन से जुड़े नियम शामिल हैं। शेयर बाजार के लिए आज का दिन बेहद खास, GDP के आंकड़े का दिखेगा असर। गुरु नानक जयंती के मौके पर कल शेयर बाजार बंद रहा। लगातार 3 दिन तक शेयर बाजार बंद रहने के बाद मंगलवार को खुली। वैसे तो नवंबर महीना शेयर बाजार और निवेशकों के लिए शानदार रहा। अब इसकी निगाहें आज टिकी है कि बाजार की चाल कैसी रहेगी।
ईडी पर होगी पॉजिटिव, जाने क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उम्मीद जताई है कि अगली यानी दिसंबर की तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद पॉजिटिव जोन में आ जाएगा। कोरोना संकट के असर की वजह से पिछली दो तिमाही में जीडीपी लगातार नेगेटिव रही, यानी इसमें गिरावट आई है। सोने के दामों में आ सकती है भारी गिरावट, पहले ही जान लीजिए कितनी होगा सस्ता। कोरोना संकट के बढ़ते और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल की वजह से कुछ महीने पहले सोने के दाम आसमान पर थे, लेकिन हाल ही में सोना सस्ता हुआ है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल की शुरुआत तक सोना 42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर सकता है। खबर खेल जगत से, कोहली पर बरसे गंभीर, बुमराह को नई गेंद से करने के लिए महज 2 ओवर, ये कैसी कप्तानी। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में हार पर विराट कोहली की कप्तानी को निशाने पर लिया है। इस हार के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज गंवा दी है। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की विजयी बढ़त बना ली है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।